अभी वहां पर फायर और दमकल कर्मी वहां मौजूद हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंची है और स्निपर डॉग की टीम पहुंची है ताकि ये पता चल सके अगर कोई मलबे में दबा है तो उसे तुरंत निकाला जा सके। पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार चल रहा है। जी राजू, हादसा बड़ा है, स्वाभाविक है कि जांच होगी, लेकिन प्राथमिक तौर पर अभी कुछ बताया गया है कि क्या इसकी शुरुआती वजह मानी जा रही है? देखिए, अभी शुरुआती वजह थोड़ा बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अभी जो प्राथमिकता तमाम जो जांच एजेंसी है कि कैसे लोगों को वहां से बाहर निकाल जाए, जो लोग फंसे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन बता दूं कि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वहां पर काम जारी था, काम चल रहा था, मरम्मत का काम चल रहा था और इसी दौरान ये बिल्डिंग गिरी है। हो सकता है कहीं किसी पिलर या किसी दीवार की नींव में कमजोरी होगी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, लेकिन ये बिल्कुल जांच का विषय है और अभी जो प्राथमिकता तमाम जो रेस्क्यू टीम की है लोगों को बाहर निकाला जाए ताकि लोगों की जान। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बचाई सके जांच के बाद निश्चित तौर पर ये साफ हो पाएगा कि बिल्डिंग गिरने की असली वजह क्या रही है, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू वर्क वहां पर जारी है। बिल्कुल, राहत और बचाव का काम जारी है, तस्वीरें भी इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजू, क्या अब तक ये स्पष्ट हुआ है कि इसमें कितने मजदूर काम कर रहे थे या कितने लोग वहां आसपास थे जब ये हादसा हुआ? देखिए, अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जरूर है कि वहाँ पर काम चल रहा था और लगभग 15 से 20 की तादाद में वहाँ पर मजदूर मौजूद थे जो काम कर रहे थे, जो वहाँ पर रुके हुए थे, क्योंकि जो मजदूर काम कर रहे थे वहीं पर उनका ठिकाना भी था, इसलिए वहीं पर रुके हुए थे। लेकिन अभी ये थोड़ा सा कह पाना जल्दबाजी हो क्योंकि उनके परिवार रिश्तेदार अगर वो जानकारी देते हैं, उनके परिवार के लोग नहीं मिलते हैं तो ये तमाम तस्वीरें साफ हो पाएगी। लेकिन अभी जो जानकारी मिल पाई है लगभग 8 से 9 लोग वहां पर जरूर मौजूद थे जिसमें से 3 लोगों की डेथ हुई है और 4 से 5 लोगों को निकाला गया और अभी भी रेस्क्यू का काम जारी है वहां पर। तो एक बड़ा हादसा राजधानी दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में, हालांकि काफी संकीर्ण इलाका है, भीड़ भाड़ वाला। बिल्कुल, तस्वीरें हम देखिए राजू दिखा रहे हैं इस वक्त, जो फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है वो वायर कट कर रही है, यानी कि ऐसी जगहों पर जब फायर ब्रिगेड को काम करना पड़ता है तो स्वाभाविक है वहां बिजली की सप्लाई काट दी जाती है ताकि पानी की वजह से कहीं करंट ना फैल जाए। तो ये देखिए तस्वीरें जहां पर निर्माणाधीन इमारत गिरी है, वहां से मलबा हटाया जा रहा है, उसकी भी तस्वीरें। जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो मौके पर हैं, सिविल डिफेंस और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भी मौके पर हैं और काफ़ी बड़ी ये इमारत थी, मलबा देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फायर ब्रिगेड की जो टीम पहुंची है वो सबसे पहले बिजली की सप्लाई वहां से काट रही है कि अगर यहां से मलबा हटाने के दौरान किसी तरह से करंट ना फैले, ये पहली प्राथमिकता होती है। और इसीलिए ये देखिए तस्वीरें, अब वहां से मलबा हटाया जा रहा है। जी न्यूज़ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पल पल की अपडेट जी न्यूज़ पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, 3 लोगों की दुखद मौत हुई है इस हादसे में। राजू जिस तरह से ये जानकारी दे रहे हैं, राजू काफ़ी संकीर्ण इलाका है, काफ़ी सकरा क्षेत्र है, क्योंकि जहां से मलबा हटाया जाना है वहां बमुश्किल एक गाड़ी भी नहीं जा सकती। देखिए निश्चित तौर पर आप देखिए, ये जो आजाद मार्केट का इलाका है और जो मकान नंबर है 754 शीश महल के नाम से जाना जाता है, और जब ये जिस जगह पर है वहाँ पर क्योंकि संकीर्ण इलाका है, घनी आबादी है वहाँ पर, तो निश्चित तौर पर जो ऑपरेशन टीम है, जो रेस्क्यू टीम है, उन्हें वहाँ पहुँचने में काफी परेशानी, लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुंची हुई है और बताया जा रहा था 6 से 7 लोग अभी भी वहां पर फंसे हो सकते हैं और 5 से 6 लोगों को वहां से निकाला गया है। और अब तक जो जानकारी मिल पाई है दमकल विभाग की तरफ से और कैट एम्बुलेंस सेवा की तरफ से, उसमें से 3 लोगों की डेथ बताई जा रही है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग थी और उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वहां पर लोग भी थे जिनका घर था वो भी वहां पर रह रहे थे, इसके अलावा कुछ मजदूर भी थे जो वहां पर काम कर रहे थे। अभी ये आकलन करना थोड़ी मुश्किल होगा कि कुल कितने लोग अभी फंसे हो सकते हैं, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है हमारा दमकल विभाग की ओर से, उनके मुताबिक 6 से 7 लोग अभी भी वहां पर फंसे हो सकते हैं, इसलिए रेस्क्यू टीम वहां पर लगातार ऑपरेशन कर रही है, एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। इसके अलावा
दमकल कर्मी, सिविल डिफेंस के लोग वहां पर आए हैं ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द किया जाए अगर लोग वहां पर फंसे हुए हैं। बिल्कुल राजू, आप हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए तस्वीरें भी किस तरह से वहां पर मलबा है। और एक बार आपको फिर से ये बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि आजाद मार्केट में एक इमारत गिरी है। बताया जा रहा है कि ये निर्माणाधीन थी, इसमें निर्माण कार्य चल रहा था। 3 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी है। राहत और बचाव का काम चल रहा है। राजू राज हमारे संवाददाता ये अपडेट दे रहे हैं कि वहां से कुछ लोगों को निकाला गया है, जिनमें से 3 लोगों की दुखद मौत हो गई है इस हादसे में। हालांकि अभी ये कंफर्म कर पाना बहुत मुश्किल है कि कुल कितने लोग इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, कितने मजदूर या वहां पर रहने वाले कितने लोग आसपास के वहां मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ है। क्योंकि जहां ये हादसा हुआ वो गली जो है वो काफी सकरी है और वहां पर भी हो सकता है कि जिस दौरान यह हादसा हुआ कुछ लोग मौजूद रहे हों, क्योंकि ये अचानक हादसा हुआ। और जो चश्मदीद हैं जिन्होंने इस घटना को देखा है उन्होंने क्या कहा, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। सर यह बराबर में स्कूल भी है? ये बराबर में आगे स्कूल भी है, इसके अंदर बच्चे जा रहे थे। ये सुबह 8:05 की घटना है ये, और ये नहीं पता कौन कौन हो सकता है इसके अंदर। इसमें काफ़ी आदमी दबे हुए भी हैं और ये मजदूर भी थे। और ये क्या तीन जनों को निकाल दिया, हॉस्पिटल भेज दिया 3 जनों को, उनकी हालत जरा। कितने जनों को निकाला? 3 जनों को निकाला है। उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत हॉस्पिटल गए हुए बेहतर है उनकी हालत। बाकी और कितने लोग? बाकी और को पता नहीं है अभी। अभी रेस्क्यू चल रहा है, 6 से 7 आदमी जो लेबर आदमी चला रहे थे। लेकिन चिंताजनक की बात है स्कूल बराबर में। चिंताजनक की बात है स्कूल बराबर में, बच्चे भी थे। अभी उसके बाद ही जब ये घटना सारी सिमटेगी उसके बाद पता चलेगा कौन कौन हो सकते हैं। तो जब मलबा हटेगा तभी यह बताया जा सकेगा कि कौन कौन इसमें हो सकता है। क्योंकि ये देखिए चश्मदीद जो बात बता रहे हैं वो और भी गंभीर है। पास में स्कूल है और सुबह सुबह इसी रास्ते से बच्चे भी होकर गुजरते हैं। उन्होंने ये आशंका जताई है कि हो सकता है कि कुछ बच्चे भी इसमें दबे हों। हालांकि ये सिर्फ आशंका है, अभी इसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। और यही कहा जा सकता है कि जब ये मलबा यहाँ से हटेगा तब जाकर हो सकता है कि ये जानकारी मिले कि कौन कौन इसमें दबा है। कुछ मजदूर जरूर इसमें दबे हो सकते हैं, ये भी आशंका जताई जा रही है। तो ये जो इमारत थी ये निर्माणाधीन थी। और राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, क्या ये रिपेयरिंग वर्क इसमें चल रहा था ये या नई इमारत तामीर कराई जा रही थी? राम, जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक ये पुरानी बिल्डिंग थी, इसमें रिपेयर वर्क चल रहा था और उसी रिपेयर वर्क के दौरान ये हादसा हुआ है। और ये हादसा सुबह 8:05 या 10 के करीब है, लेकिन जो दमकल विभाग को जानकारी मिली है लगभग 8:30 के करीब मिली है, इसलिए तुरंत वहां पर टीम पहुंच चुकी। इलाका आजाद मार्केट का इलाका है, काफी पुराना इलाका है और संकीर्ण इलाका, घनी आबादी है, जो रास्ते हैं काफी संकीर्ण है, इसलिए रेस्क्यू टीम को वहां पहुंचने में थोड़ी परेशानी जरूर हुई है। लेकिन रेस्क्यू टीम पहुंचकर अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जारी की हुआ है और अभी जो जानकारी मिली है अभी भी 5 से 6 लोग फंसे हो सकते हैं, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी किया गया है। और लगातार सिविल डिफेंस के लोग हों या फिर दमकल कर्मी हो या फिर NDRF को भी जो जानकारी मिल पाई है उसे बुलाया गया है और पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है जो लोग मलबे के नीचे दबे हैं उन्हें जल्द से जल्द निकाल कर उन्हें अस्पताल भेजा जाए। लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीर बता रहे हैं कि पास में ही एक स्कूल है और ये पुरानी इमारत थी और ये काफी बड़ा हादसा हो सकता था, हालांकि अभी भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पुरानी बिल्डिंग है क्या इसकी अनुमति ली गई नहीं ली गई, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से था, क्या वो गिराने लायक था, या फिर तमाम बातों को लेकर अभी जांच शुरू होगी और पता चलेगा कि आखिरकार लापरवाही कहां से हुई जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ। क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है तो क्या उसका NOC लिया गया था नए कंस्ट्रक्शन के लिए, तमाम बातों को लेकर भी जांच होगी। लेकिन अभी जो प्राथमिकता है जो रेस्क्यू टीम की लोग जो फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और इसीलिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और जो इलाका बता जा रहा हूँ कि आजाद मार्केट का शीश महल इलाका, इसे कहते हैं शीश महल बिल्डिंग के नाम से ये जाना जाता है, तो काफी पुरानी बिल्डिंग है जिस पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बिल्कुल, तो ये काफी पुरानी इमारत जैसा राजू बता रहे हैं। और ये देखिए स्थानीय लोग भी
जो आसपास के लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और वो भी इस राहत और बचाव के काम में मदद कर रहे हैं, पुलिस की टीम की, सिविल डिफेंस की टीम की, और जो दमकल की टीम वहां पहुंची है उसकी मदद स्थानीय लोग भी जोर शोर से कर रहे हैं और वहां से मलबा हटाने का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।